बेतालेश्वर मेले की याद आ रही है दिनों में जो खोते दिन दो हमारे फोन जमा कर लेंगे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। आज है शूट का दूसरा दिन और अभी हम रेडी हो गए हैं। तो अभी हम ना 7 बजे रेडी हो गए हैं क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि में अभी सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं मंदिर और उसके बाद हम लोग शूट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसीलिए हम थोड़ा जल्दी रेडी हुए हैं कि हम लोग पहले मंदिर जाएंगे उसके बाद रेडी होंगे। तो बाकी मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ और कल का जो सॉन्ग था वो थोड़ा सा बचा हुआ है, एक अंतरा और कुछ उसका सीन जो है वो मार्केट में भी लेना है, तो इसलिए। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लगी हुई है। सच में भूख बहुत लग गई है क्योंकि सुबह सुबह मेरे को बहुत भूख लगती है, तो अभी भूख लगी है। प्रियंका का अभी चल रहा है मेकअप, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं और शूट की लोकेशन पे। भैया लोग उठे हैं नहीं उठे, चलो उनको देख के आते हैं और अपने लुक का रिएक्शन भी देखते हैं। पता नहीं उन्हें पसंद आता है नहीं आता है। तो अब चलते हैं दीपक भैया लोगों के रूम में। आ जाओ, मैंने बोला सबसे ज्यादा लेट लतीफ हो आप ही हो, आप ही की वजह से शूट लेट होता है। भैया उठ जाओ, हाँ हमको क्यों किया 7 बजे तैयार? मैंने बोला आप ही ने तो बोला, और किसने बोला? वहाँ बोल भैया को, भैया ने बोला होगा, मैंने तो नहीं बोला। भैया इनको उठाओ। तो गाइस यहाँ पे हमारे हीरो का मेकअप चल रहा है। संतोष भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, चलो धमाल करते हैं। बढ़िया है, हाल है इनके और धमाल करते हैं। और देखिए जरा इनका ड्रेसअप बिल्कुल मेरे से कभी मैच नहीं होता जिंदगी भर, मुझे नहीं लगता कि वो इस जन्म में मैच हो पाएगा। ये कलर और क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन ऐसा लाती है कोई ढूंढ नहीं सकता। कल वाली साड़ी का अगर प्लान भी होता है मैं तब भी नहीं ढूंढ के ला सकता था, ऐसा कलर लेके आती है। नाइस, अच्छा होता है कि बुरा होता है? अच्छा होता है, यूनिक होता है। यूनिक होता है। तो इनका मेकअप, चलो चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सब लोगों को? शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, महादेव सबकी मनोकामना पूरी करें और सबको आगे बढ़ाए। तो उम्मीद करते हैं और हम इसी तरह सालों साल तरक्की करते रहे, इसी तरह मेरी पेंशन लग जाए, इसी तरह पेंशन लग जाए सभी लोगों की, और बहुत सारे गीत करें, सुपर से सुपर हिट उत्तराखंड के लिए दे और उत्तराखंड का नाम रोशन करे। जय उत्तराखंड। चलो भैया ऑन ही नहीं हुआ कैमरा। गाइस हमारे गौरव दा आ चुके हैं और ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, ऐसे कट मारते हैं ऐसे ऐसे मोड़ों में ना, एक बार मैं तो फैन हूँ गौरव दा की ड्राइविंग की। फैन हूँ मैं गौरव दा की ड्राइविंग की, ऐसे कट मारते हैं ना बिल्कुल ऐसे मोड़ जिसने सोचा ही नहीं होगा। पार्टी अभी तक नहीं कराई लेकिन 2 बार कट मारे इन्होंने एक मोड़ से। पार्टी आज होगी, ये क्या आज पार्टी अभी बोल दिया, हाँ ये सबूत है हिलो डिलाइट में, वो तो हमारी तरफ से होती है। आप क्या पार्टी भाई, आज चुपचाप आ जाते हो, खा जाते हो, पेल जाते हो, निकाल भी आते, पता भी नहीं चलता। बढ़िया चाय लगती हुई, चाय क्या बात है, चाय बिल्कुल रॉयल स्टाइल में, देखिए चाय पी रहे हैं। इनको तो अलग ही, अलग ही मेकअप करके आते हैं भाई, इनका अलग ही पता नहीं क्या चलता रहता है। ये देखो ब्रेकफास्ट का है मेरा, इधर ला। इनका सुबह का ब्रेकफास्ट ये देख, इसमें से 2 मैंने खाए अभी मुझे, क्योंकि भूख लग गई थी बहुत भयंकर वाली। प्रोड्यूसर सामने बैठ के खा रहे। तुम कौन सा प्रोड्यूसर हो? भाई ऐसा ही है, ऐसे करोगे क्या काम? बोल दो ना भैया, ऐसे करोगे क्या काम? ऐसे करेगा क्या काम? अब मेकअप वाली मेकअप लेके नहीं आई तो हमारी गलती है क्या? ऐसे करो काम, ऐसे करोगे क्या काम? उस दिन वाला बहुत वायरल हुआ था यार भैया, सही में बड़ा सही था। रोड पे जाने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर सभी लोग। मेरे तो चप्पल थे तो मैं उतर आ गई। अरे मैंने वहाँ पे उतारे ना चप्पल तो गाड़ी पे रह गए, तो शिव जी का मंदिर जो है यहाँ पे, लोग इधर पे आ गए नीचे पे। यार पैरों में अब ठंडा लग रहा है और पता है मेरे गले में भी दर्द हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे आके भी मंदिर में चप्पल उतारने ही पड़ते तो ठीक है, ये जैसे ही सही है। यह है मंदिर छोटा सा। मुझे बेतालेश्वर मेले की याद आ रही है, हमारे अल्मोड़ा में लगता है ना जो बेतालेश्वर महादेव मंदिर, तो मुझे उधर की याद आ रही है। अब संतोष भाई के व्लॉग में व्यूज नहीं आ रहे, इनको आफत आ गई। भर्ती मांग और क्या करना चाहता है भैया? फिर आपको दुआ की जरूरत है, फिर आपको दुआ की जरूरत है। ये बबूती हटा रही बस। हमारा जो है अब सीन, कैमरा लग चुका है यहाँ पे,
अब हम लोग अपना सॉर्ट करेंगे यहीं पे आज रेस्टोरेंट के बाहर से, क्योंकि एक शॉप वाला सीन है तो वो करना है। अच्छा हो गई शूट से पहले पूजा की तैयारी। माता तो नहीं आएगी तेरे पे? तो यहाँ पे चल रहा है अभी हमारा टेक और अमन भाई बना रहे हैं मेरी वीडियो। आलू की सब्जी और पूरी, शिवरात्रि तो आलू की सब्जी और पूरी मिली है। ये बोल रहे कि सबसे पहले कोई भी ब्लॉग आता तेरा वो मैं देखता हूँ, कह रहे बताओ। अभी जब आएंगे तभी लाऊंगी अंकल से, है उसको मैं भी आता हूँ, कह रहे आते हो। मैंने काफी बार लिया तो है अंकल को, काफी बार लिया है ये अंकल को वो अंकल को। दीपक भाई खा जाता है खाना लाता हूँ ना उस टाइम, आप बोलते हैं आज जुटके खा रहे हैं, खा रहे लेकिन बना कौन रहा है? आप किसके यहाँ से खा रहे हो? मैं 22 साल जैपनीज कुकिंग करके आया हूँ। अच्छा, वो तानो सिखाता 3 देशों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरिगत्तो गोजाइमास। आपके जो जितने भी ब्लॉग आते हैं वो मैं देखता हूँ सारा। आपके आपके सिस्टर की जो भतीजी थी उसकी मेरे ख्याल में बर्थडे था तो कंटिन्यू देखता हूँ उसमें ही है। मैं सारे आपको फॉलो करते रहता हूँ, कभी देखना आप नीचे। और मैं लाल सिंह बोरा के नाम से मेरा आईडी है, इनके पास तो फॉलोअर इतने हैं। ये किसकी बनाई हुई है? ये पूरी अंकल ने बनाई। ये पूरी किसने बनाई? मैं ही बनाने वाला हूं, कौन है यहां तीसरा आदमी? A to Z में ही बनाता हूं सारा। थैंक यू अंकल, बहुत ज्यादा थैंक यू। तो अभी हमने खाना मतलब नाश्ता कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं भेड़गांव को दोबारा से शूट करने के लिए। तो पता है ये वीडियो जो बन रही है अमन भैया के फोन से बन रही है, कितना स्माइल कर रहे थे अमन भैया के फोन से बन रही है वीडियो, क्योंकि दीपक भैया ने हमारे फोन जमा कर लिए और ये पंकज की वजह से हुआ है। मेरे वजह से क्या हुआ? तेरी वजह से किया उन्होंने फोन जमा। मैंने जानबूझ के उस टाइम वीडियो नहीं बनाया था कि मेरा वीडियो बनाऊंगा। तो म्यूजिक बजाएगा ना तेरा, सही है। और मेरा सच में नहीं देंगे भैया फोन, बाकी प्रियंका और संतोष भाई सब बैठे हुए उधर। यार गलत हो गया चालू है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास है गौरव दाव का नंबर तेरे पे है, सेव है। गौरव दाव के नंबर से मैं कॉल करता रहूंगा, भैया बोले अबे इसको कॉल को बंद कर, तेरे पास आ जाएगा कॉल, तेरे पास फोन आ जाएगा। भैया मत डालियो, भैया बोलेंगे बेटे तू चालाकी सिखा रहा सबको। तो यहाँ पे जो है चल रहा था हमारा शूट और मैं कर रही थी शूट, और तो मैंने बनवाई थी ये वीडियो किसी से। तो यहाँ पे एक टेक है जहाँ पे संतोष भाई मुझे छेड़ते हैं, ये जो कि मेरे हस्बैंड बने हुए हैं वीडियो में और मैं काम कर रही होती हूँ। गढ़वाली गढ़वाली उसकी वो समझ में, मैं कह रहा हूँ गढ़वाली को हिंदी में बताओ ना क्या कर रहे हैं, आपको आती है ना गढ़वाली? क्या दिन में तुम्हें यख और क्या दिनों में तुम खोते दिन दुम दिन दुम यख और यहाँ तो ज्यादा ही गढ़वाली बोल दे रहा है। हमारे तो जैसी होती है गढ़वाली, क्या होती है इधर आ मैं तुझे गढ़वाली गढ़वाली हुई ऐसे कुछ ना, क्या इधर आ, इधर आ मैं क्या दे रहा हूँ तुझे, हाँ इधर आ मैं क्या दे रहा हूँ तुझे, ये है। और हमारे वहाँ बोलते हैं यहाँ मैं कितने तुके, क्या यहाँ मैं कितने तुके, कितने तुके गढ़वाली और कुमाऊनी तुम्हारी समझ आता हूँ, फिर भी इथा एक चनकट जुने थे फिर भी तुम्हारी समझ आता हूँ मैं, इथा एक तुम नहीं समझ पाते हमारी गढ़वाली, क्यों नहीं समझ आते और नहीं तो क्या, इतने टाइम से सुन रहा हूँ मैं समझ आ जाता, अब ये कह रहा हूँ पहले तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खा रहे हैं क्योंकि अब भूख लग गई है। और अभी मैं अभी तक मेरा फोन जमा हुआ था, अभी मुझे मिल गया। अब मैं खिड़की की साइड से बैठे। अच्छा चल 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 इन आलू है ना ये गौरव था, आपको तो भूख भी नहीं लगती होगी ना वैसे। अरे वो अपना रखते हैं, तुम्हें क्या पता अपना वो रखते हैं वो यहाँ इसके डैशबोर्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा उनका ये बोलते कि इनका क्या भरोसा शूटिंग वालों का, इनका रात को खत्म होता, अपना तो रखना चाहिए। तो अभी आ गया हमारा खाना और खाने में भट की चुड़कानी और भात। कैसा आ रहा पंकज? स्वाद हो रहा भाई, पंकज गुस्सा आ रहा ना तो मुझे क्या कैसा हो रहा मार कर ला फिर से अपनी सी शकल लेकर के आ गए हैं चियाली गांव में लास्ट। अगर टाइम याद हो आपको 22 में भीग भीग
के भाग भाग कर, मैं सर पे कोई बैग रख के कोई कुछ रख के भाग रहा था यार। भैया को कितने बार कह दिया, आप थक गए इस लोकेशन से, अब तो कुछ नई लोकेशन होनी चाहिए, पर भैया हमारी नहीं सुन रहे एक भी, बट अब जरूर सुन लिया भैया ने। भैया एक बना रहे, हम लोग जाएंगे मुंशियारी गाइस। वो कुत्ता भी पहचानता है, देखो कैसे हो गए सबके चेहरे खड़े से, सड़े सड़े गए, गल गए, पक गए सारे हो गए, ऊपर से उसी गांव में आ गए, शक्ल नहीं, जूता हो गया, जूता के लिए बगवाली पोका की मार्केट पे चो 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 निकलो जल्दी, हालांकि नौटंकी रहती है। तो हम बगवाली पोका शूट करने जा रहे हैं और अमन भैया भी देखना मुझे पिचकाएंगे फिर से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बगवाली पोखर मार्केट में शूट करने के लिए और संतोष भाई कैसे बैठे हैं और ड्रेसेस सब चेंज हो गई है, ये लास्ट डे के, कल सुबह को बहुत अच्छी खबर है कि कल सुबह हम अल्मोड़ा को चले जाऊंगी मैं अपने घर को। वाओ क्या बात, मेरे को लगने वाला कि कल का दिन लगेगा। क्या हुआ अमन भैया, इसे कह रहा यार कैमरे को परेशान कर लगा इसने दो दिन, इनके कैमरे का ना गिम्बल खराब, तो मैं अमन भैया को एक गिम्बल गिफ्ट करने वाली हूँ। यह है वो लोकेशन जहाँ हमने धना गाना शूट किया था ऊपर, तेरी नजदीकियों का दिल तू खोल दे, खोल दे मुझसे ही खत्म मेरे प्यार का फसाना हुआ। गाइस आज का शूट हमारा पैकअप हो गया है, एक और चाहिए, नहीं बस तू खा, तू खा। गौरव दा कैसे लगे आपको दोनों गाने और क्या बहुत है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाने। और मेरी एक्टिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया। एक चोर देख रहा, देखो कैसे चोर कैसे देख रहा हूं मैं से। ये बहुत बड़े वो है क्या? चुरैली। चुरैली। तो गाइस गाने कंप्लीट हो गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वापस उनको। और आज का पहले हम सोच रहे थे कि कल को भी होगा थोड़ा, लेकिन कल को बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे एक्टर हैं संतोष बिश जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने आज मुझे एक स्वेटर दिलाई है, जो लगते हैं बहुत बहुत थैंक यू भैया ने मुझे एक स्वेटर दिलाया, काम कर खूब, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं और यहीं इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाता है। तो होप आप सभी लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ये तो देखते रहते हैं।